पलासिया स्थित महिला थाना द्वारा मां अहिल्या स्वावलंबी डेस्क के माध्यम से थाना आने वाली पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला थाना पुलिस ने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है, जिसके चलते 13 महिला वर्तमान में अलग अलग थाना क्षेत्र पे नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार रोजगार पर लगी महिलाओं के सामने परिवहन की समस्या भी खड़ी हो गई है, क्योंकि प्रतिमाह 2 से 2500 रुपए उनके परिवहन में खर्च हो रहे थे, जिसको देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा सिटी बस प्रबंधक से चर्चा करके उन्हें 3 महीने का निशुल्क सिटी बस पास दिया गया है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जैसे कि हम कहते हैं कि इंदौर स्वच्छ हो गया है, हमारी क्लीन सिटी है, अब हम एमिनिटीज पे आ गए हैं। हम आपने देखा होगा हमारे थाना परिसर में शीकुंज करके जो महिला सुविधा कक्ष है, वो हमारी इंदौर की एक और खासियत, एक और एमिनिटीज़ में आ गया। ऐसे ही हमने जो विगत 2020 में 7 दिसंबर में हमारे तत्कालीन DIG सर थे हरि नारायण चारी मिश्र सर, उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया था हमारी माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क का, और हमने शुरुआती दौर में 3 महिलाओं को रोज़गार दिया, और उसे उस रोज़गार को देने में हमारे मतलब इंदौर के कई सारे जो संस्थान हैं उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, और आप लोगों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ उससे आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास कई ऐसे मतलब उन्होंने अपने लेटर्स भेजे कि हमारे पास अकोमोडेशन है, हमारे पास जॉब है, आपके यहाँ जो भी महिलाएँ हैं जिन्हें आवश्यकता है आप भेजें। तो मतलब हमने जो कार्य शुरू किया अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी एडिशनल SP मैडम मनीषा पाठक सोनी मैडम का जो मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है, बहुत पॉजिटिव है वो, तो उनके उसमें जो शुरुआत की वो धीरे धीरे हमारा कारवां जैसे चल रहा है, और आज के समय में हमने 13 महिलाओं को रोज़गार दिलवाया है और वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अब यहाँ पर ये समस्या उनके सामने आ रही थी कि सैलरी 8000 है, 9000 है, लेकिन उनके आवागमन में उन्हें आने जाने के लिए उनका लगभग 2000 रुपये खर्च हो जाता था। कोई कहीं से अपना सिटी बस को लेती है, फिर ऑटो टेम्पो लेती है, तो उसमें ये लगा कि क्यों ना ऐसी कोई शुरुआत की जाए। उसमें मेरी AICTCL में माला ठाकुर मैडम जो हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, और SDM संदीप सोनी सर से भी बात की थी, तो उन्होंने बिल्कुल एक बार में ही वो रेडी हो गए, क्योंकि पुनीत कार्य है और वाकई हम पीड़िताओं की मदद कर रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने किया। और हमने ये इस तरह के चलो कार्ड जो हैं सिटी बस में लगते हैं वो हमने अपनी 13 महिलाओं के लिए बना के दिए हैं, अभी 3 महीने के लिए हमने बनाए, वैसे 1-1 महीने के लिए बनता है लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो 3-3 महीने के लिए अभी बना है, और हम उसको 3-3 महीने में रिन्यू भी कराएंगे, जिससे कम से कम जो महिलाएं जिन्हें हमने रोज़गार उपलब्ध कराया है वो पूरी सैलरी अपने परिवार के भरण पोषण में, अपने बच्चों के लालन पालन में, उनकी अच्छी शिक्षा में खर्च कर सकें।